हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जनरल क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान सीईटी 10+2 का जो सेप स्कोर है वो कितना रहेगा, ये लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं और ये स्वाभाविक भी है। जब 10-15 दिन बचते हैं एग्जाम के तो विद्यार्थी ये सोचता है कि यार कितने क्वेश्चन सही हो जाने से जो है मेरा नंबर आ जाएगा, ये सवाल आपके मन में उठ रहा होगा। तो इतने क्वेश्चन आप करके आए, इतने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए जिससे कि आपका नंबर आ जाए। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, साथ में ये भी जानेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और कितने आपके सही होने चाहिए और कितने सही हो सकते हैं, कहां से आप जो है आखिरी समय में पढ़ के जो है अपने सवाल सही कर सकते हैं, यह भी बात हम जानेंगे। तो एंड तक आपको वीडियो को देखना है। राजस्थान सीईटी 10+2 की अगर हम बात करें तो आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 150 के 150 आपको जो है अटेम्प्ट करने हैं। इसके अलावा 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 300 नंबर का आपका जो पेपर है वो होने वाला है। तो 300 नंबर 150 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पर आप सामने देख सकते हैं मैंने डिवीजन किया हुआ है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। यह पहले भी मैं आपको बता चुका, लेकिन अभी हम जो है सेप स्कोर भी इसका जानेंगे। तो राजस्थान प्लस इंडिया जीके की बात करें तो 75 क्वेश्चन आपके जो है आ सकते हैं, 75 क्वेश्चन या 50% पोर्शन यहीं से आपका बनने वाला है। इसके अंदर आप करंट अफेयर भी जोड़ लेना, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी जो है इसी के अंदर आ जाएंगे। तकरीबन 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे, ठीक है ना। तो राजस्थान जीके और राजस्थान जीके के अलावा आपका इंडिया जीके के ज्यादा सवाल नहीं होंगे, 10 या 15 सवाल इंडिया जीके के हो सकते हैं। सर्वाधिक सवाल आपके राजस्थान जीके के होंगे जिसमें आपका हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, यहां से सवाल आपके बनेंगे और यहां से कंप्लीट टॉपिक से सवाल बनने वाले हैं। आपने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल देखा होगा, उसी को एनालिसिस करके यहां पर मैंने आपको बता रहा हूं कि भाई आपके पूरा जो जितने भी टॉपिक हैं हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक हैं वहां से सवाल बनेंगे। सर्वाधिक सवाल आर्ट एंड कल्चर के ही आने वाले हैं और प्रत्येक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है ना। तो 75 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। इसके अलावा साइंस की बात करें तो साइंस के काफी सारे टॉपिक है, पूरा सिलेबस दे रखा है, तो यहां पर 25 क्वेश्चन आपके साइंस के हो सकते हैं। हिंदी इंग्लिश की बात करें तो 20 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन आपके हिंदी इंग्लिश के आएंगे। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन और मैथ और रीजनिंग की बात करें तो यहां पर आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये तो आपके 150 क्वेश्चन का विवरण हो गया। अब यहां पर जो है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं और कहां से कर सकते हैं ये आपको देखना होगा। तो अभी तो खैर 10-12 दिन आपके बचे हुए हैं, रिवीजन चल रहा होगा, कुछ नया आप नहीं पढ़ रहे होंगे, नया पढ़ रहे होंगे तो करंट अफेयर ही आप लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि साइंस में आप पूरे में से पूरे सही कर सकते हैं अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाएं, क्योंकि फिक्स है कि चैप्टर फिक्स है, नोट फिक्स है, वहीं से आएगा सवाल। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, उदाहरण क्या है, वो फिक्स है, उसमें कोई नया नहीं जुड़ने वाला, कोई नई फैक्ट जुड़ेगा नहीं और वो चीज आपको याद हो जाएगी। कंसेप्ट पता लगता है कि ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसका एग्जाम्पल है, तो वही कंसेप्ट आपके हर क्वेश्चन में लगेगा। तो साइंस के सवाल आप लोग ज्यादा से ज्यादा सवाल जो है सही कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो साइंस बैकग्राउंड से है वही सही कर सकते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड वाले, कॉमर्स वाले सभी विद्यार्थी, अगर आपने जो है कहीं से भी पढ़ा है, साइंस को पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, प्रॉपर पूरा सिलेबस पढ़ा है, तो आप लोग यहां से सवाल सही कर सकते हैं। तो साइंस पर आपको विशेष जोर देना है। यहां पर 20 में से आपके जो है 25 में से 15 या 20 सवाल भी आपके जो सही होते हैं तो बहुत बड़ी बात है और हो सकते हैं आपके बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश में से देखो ज्यादा आप लोग इतना मेहनत करो मत, क्योंकि हिंदी इंग्लिश के ज्यादा सवाल नहीं आ रहे, फिर भी आप वो टॉपिक पढ़ लो जहां से सवाल बनेगा ही बनेगा। संधि विच्छेद है, सवाल बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। समास विग्रह है, यहां से सवाल बनेगा, उपसर्ग से बनेगा, प्रत्यय से बनेगा, तो ये टॉपिक आप लोग पढ़ लो। इसके अलावा इंग्लिश की अगर हम बात करें, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, यहां से सवाल बनेंगे तो बनेंगे भाई। तो मतलब कि आपको हिंदी में 4-5 टॉपिक पढ़ने, इंग्लिश में पढ़ने, तो यहां से भी आपके सही होने के चांसेस हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर की बात करें, इसको भी आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन ही आए थे, 5 या 6 क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन लेवल में आए, तो यहां से ज्यादा सवाल बनने के चांसेस नहीं है। और बनेंगे भी तो कहीं से भी बन सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर छोटा मोटा सिलेबस नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस है। फिर भी जनरेशन वगैरह, बेसिक कंप्यूटर वगैरह आप लोग पढ़ सकते हैं, जो भी एब्रीविकेशन होती है, फुल फॉर्म होती है, वहां से सवाल बनने के ज्यादा चांस है, और शॉर्टकट कीज जो होती है वहां से सवाल बन सकते हैं, तो वो आप लोग देख के जा सकते हैं। मैथ रीजनिंग, ये आपके 20 में से 20 सही होने चाहिए भाई, ये आपके 20 में से 20 क्वेश्चन जो है सही होने चाहिए सभी के, चाहे वो आर्ट्स का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो, किसी भी सब्जेक्ट से आप, कोई भी बैकग्राउंड हो आपका, यहां से मैथ और रीजनिंग के आपके सवाल सही होने चाहिए। ये 20 सवाल आपके जो है यहां से सही होने चाहिए, क्योंकि मैथ फिक्स है, जो आपके टॉपिक दे रखे वो टॉपिक आपके कवर होनी चाहिए। टिपिकल सवाल बिल्कुल नहीं बनता, ग्रेजुएशन लेवल में एक भी सवाल ऐसा नहीं बना था मैथ का जो विद्यार्थियों से नहीं हो रहा था। जिन्होंने बेसिक मैथ भी पढ़ रखी है, आप ऑप्शन से भी जो है आंसर निकाल सकते हैं, ऐसे सवाल आए थे। एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो भाई नहीं हुआ, किसी से नहीं हुआ, मतलब टीचर भी ये बोले कि तो क्या सवाल आया, ऐसा कोई सवाल नहीं था, सारे सवाल आसानी से हो रहे थे, रीजनिंग के भी और मैथ के भी। 1-2 सवाल होते हैं जो ऊपर नीचे हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करना कि 20 में से 20 सही हो, नहीं तो
18-19 तो आपके हो ही जाएंगे अगर आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम जीके की बात करें, आप देख सकते हैं राजस्थान जीके, इंडिया जीके और करंट अफेयर में से आपके कितने सवाल सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप 75 क्वेश्चन आएंगे, इसके 50% वेटेज के तो आप लोग सही कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। करंट अफेयर भी आप लोग पढ़े, आपने इतनी मैराथन ले रही है और बहुत सारी मैराथन यूट्यूब पर चल रही है, वहां से सवाल भी बन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है सवाल नहीं बन रहे हैं, सवाल बन रहे हैं। और अब तो बूस्टर बुक, बहुत सारी बुक्स आ गई है मार्केट के अंदर जहां से लगातार सवाल आपके बन रहे हैं, और टेस्ट सीरीज भी आप लोग लगा रहे हैं वहां से भी सवाल आ रहे हैं। तो यहां पर जो है आप अच्छे से पढ़ते हैं, आपने पढ़ा है तो 75 का जो 50% है तकरीबन आप लोग आराम से जो है यहां से सही कर सकते हैं। और अगर ये वेटेज पूरा मिलाएं तो मैं आपको बता देता हूं फाइनल 75 क्वेश्चन, यानी 50% 75 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि भाई सीटी 10+2 आपका क्लियर होना चाहिए तो 50% कोई भी कैटेगरी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससीएसटी हो, मिनिमम 50% मार्क्स तो आपके आने चाहिए, ये आपका क्राइटेरिया रहेगा। मैं आपको बता देता हूं, चाहे आप हिस्ट्री देख लो, पूरा वीडियो का देख लो, वीडियो में लगभग यही रहा था, आपके जो ग्रेजुएशन है उसमें भी यही रहेगा। और यहां पर सीटी 10+2 के अंदर जो है आपके 75% मिनिमम आपका होना चाहिए। तो 75 क्वेश्चन आप लोग सही कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जो है 15-20 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग में सही कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग में कभी गलत होते ही नहीं, एक दो सवाल गलत होते तो मैथ के पूरे आप सही कर सकते हैं। कंप्यूटर और हिंदी इंग्लिश को मैं गिन ही नहीं रहा हूं, इसमें से भी 5-5 सवाल तो आप सही करेंगे। बाकी साइंस के मैंने यहां से 20 सवाल लिए हैं, और जीके आपका जो कंप्लीट जीके करंट अफेयर है यहां से मैंने 50% जो है आपके तकरीबन 30 या 35 सवाल आप लोग सही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों को मिलाकर, सबको यहां पर पूरे पोर्शन को मिलाकर 75 क्वेश्चन अगर आप सही होते हैं तो आपका नंबर आ सकता है, आप सेलेक्ट हो जाएंगे आगे की जितनी भी एग्जाम है, चाहे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे आपका एलडीसी हो, वनपाल हो, या छात्रावास अधीक्षक हो, ठीक है ना। तो 75 क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे, किसी भी हालत में करने पड़ेंगे, और ये तो आप करके चलोगे, 75 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और फिर चाहे आपके तुक्के मारो या कुछ भी मारो, आपके 75 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आप पूरे करके आएंगे तो आपका प्लस में ही जाने वाला है, माइनस नहीं रहेगा, अगर आपने तैयारी अच्छे से की है। तो ये जो मैंने जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी है, जो भी बातें मैंने आपको बताई कि इतना सेफ इसको रह सकता है, अनुमानित है, मेरे अनुसार मैंने आपको बताया है, तो आई होप यही आपका जो है वेटेज रहे। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।